क्लास हम लोग ले रहे थे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसमें क्या हुआ था, टावर का प्रॉब्लम हुआ था जिसके कारण आपको पूरा वीडियो हम लोग दे नहीं पाए थे। तो उस समय हम प्रॉमिस किए थे आप लोग को कि इसका ऑफलाइन हम लोग लोड करेंगे। तो आज बात हो रही थी किसके बारे में, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको पता है कि ये जो इंट्रोडक्शन का क्लास हम लोग ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले आपके 12 में ये जो बताने की बात आई थी ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है, आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए सबको जानना चाहिए। तो इसके लिए जो सीनियर सब स्टूडेंट 12 वाले निकले और पहले से भी जो पढ़ के निकले हैं वो सारे स्टूडेंट, जब ऑनलाइन की बात आई, लाइव क्लास वो लोग देख रहे हैं, आप लोग जितने सब्सक्राइब किए हैं ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट हैं, लेकिन हमारे पुराने स्टूडेंट जो हैं वो लोग लगातार इस वीडियो को हम लोग जो भी अपलोड कर रहे हैं देख रहे हैं। तो उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप जो है कुछ मतलब पीडी से संबंधित यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड कीजिए। जैसे कि वो बोला था कि नहीं, आप इंट्रोडक्शन देने के लिए एक बार बताए थे और उस समय तो उसको सीरियस लिए नहीं और बाद में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ी। तो उसने बोला था कि नहीं सर, मतलब कि आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डालिए और कुछ और भी स्पोकन से संबंधित जो होता है वो मतलब अपलोड करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन वाला ये जो वीडियो है आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए हम सिखाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले हम बताएं कि आपका अपना इंट्रोडक्शन देना, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो मान लीजिए अभी आप लोग एडमिशन लिए, कहाँ लिए, लखीसराय में लिए, और मान लीजिए कि अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और रिजल्ट आने वाले हैं 2-4 दिन में। तो ये सभी स्टूडेंट लोकल में लेते हैं, तो ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट क्या होता है कि अगर यहाँ से मैट्रिक पास किए तो बढ़िया कॉलेज में लेते हैं, जैसे मतलब बड़े शहर में जाकर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिए। तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद वहाँ जो सीनियर्स होते हैं उसको रैगिंग करते हैं, पता होगा। वो क्या कहते हैं कि जैसे न्यू अगर कमर आए हैं तो उनको कहते हैं कि नहीं तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। तो इंट्रोडक्शन जब देने की बात आती है तो वही रैंकिंग है और वही इंट्रोडक्शन के आधार पर उसको रैंकिंग किया जाता है, छेड़छाड़ किया जाता है। इसका मतलब जो सीनियर्स होते हैं, गलत इसके अर्थ लगा लिए हैं, लेकिन ये जो रैंकिंग होता है फ्रैंक करने के लिए, आपके अंदर जो हेजिटेशन है, आपके अंदर जो झिझक है उसको दूर करने के लिए कि आप गाँव से बिलोंग करते हैं, किसी शहर में अच्छे शहर में गए, तो हाँ सीनियर का दायित्व होता है कि उसके अंदर कुछ चेंजिंग लाए ना। तो उसको क्या कहते हैं कि इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाता है। और अगर मान लीजिए कोई इंट्रोडक्शन देते हैं, अगर किसी ने, इसमें देखिए कई बार होता है जैसे किसी ने कहा कि इंट्रोडक्शन में बोल दिया कि माई हॉबी सिंगिंग, तो उसको क्या कहता है, सीनियर्स कहते हैं कि नहीं गा के सुनो। अगर कोई कह रहा है कि नहीं माई हॉबी इज डांसिंग, तो कॉलेज में कहता कि नाचो। अगर कोई इंट्रोडक्शन में बोल दिया कि माई रोल मॉडल लीजिए APJ अब्दुल कलाम, तो APJ अब्दुल कलाम से उसे क्वेश्चन की जाती है, प्रश्न किया जाता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही कुछ मान लीजिए कि इस पर गलत घटनाएं घटना शुरू हो गई, तो अब तो मान लीजिए इसको जुर्म कर दिया गया है, अगर आप करते हैं तो उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा कॉलेज प्रशासन की ओर से। तो इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि आपको कई बार इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, जैसे कि आप इंटरव्यू देने के लिए गए कहीं भी, तो इंटरव्यूअर सब लोग बैठे रहते हैं, वो कहते हैं आपको क्या, हाँ वो कहता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ या कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उस समय आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। आप कॉलेज में हैं, आप नए नए कॉलेज में गए हैं और आप दोस्तों को किसी ने के बीच में आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, या क्लास में आप रहते हैं उस समय इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, इंटरव्यू के बारे में बताए वहाँ पर इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो डिफरेंट सिचुएशन में आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो एक इंट्रोडक्शन जानना स्टूडेंट के लिए स्पेशली आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं जानते हैं, खूब नॉलेज है मेरे पास अदर पेपर्स का, सब कुछ, मैथ मेरा बढ़िया है, केमिस्ट्री मेरा बढ़िया है, बायो मेरा बढ़िया है, लेकिन दो शब्द बोल नहीं पा रहे हैं तो आप गए। तो इसलिए इस क्लास को बहुत सीरियस लेना है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोग से चाहूँगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जो हम सिखा रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर डालिएगा हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ढेरों वीडियो मिलेंगे आपको कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है।
लेकिन आप उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए और कंपेयर कीजिएगा कि किसमें क्या कमी है। और रही बात इंट्रोडक्शन जो हम दे रहे हैं, हम जो भी बताएंगे इंट्रोडक्शन, इसमें कुछ लाइन आपको डिफरेंट मिलेगा क्योंकि हम आपको क्लास में इंट्रोडक्शन देने के लिए सिखा रहे हैं। इसमें हम पेरेंट्स के बारे में बोलेंगे नहीं बोलने के लिए। अब बोलिएगा कि क्यों नहीं सर, आप ही बताइए, आप दो दोस्त के बीच में हैं या चार फ्रेंड के बीच में खड़े हैं और उसके बाद बोलिएगा कि माय नेम इज, आप अपना नाम, माय नेम इज राजेश कुमार और अपना पिताजी का नाम ये है और ये है, उसकी क्या जरूरत है। उसमें आपको अपना सिर्फ इंट्रो बतलाना है, तो उस समय फादर्स मदर्स की जरूरत नहीं पड़ती है ना, केवल अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना। आप जब इंटरव्यू में जाइए, स्पेशली आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो उस समय आपको पूरा बतलाना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स कौन हैं, यानी पापा का नाम बतलाना पड़ेगा, उनका पूरा मतलब क्या है प्रोफेशन, वो मम्मी के बारे में सब क्या। लेकिन क्लास में जो इंट्रोडक्शन दीजिएगा उसमें इसकी जरूरत नहीं है। तो बात कर रहे थे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस हम कैसे करें। तो इंट्रोड्यूस हम करने के लिए सबसे पहले बताएंगे कुछ पॉइंट है जिसको आपको समझना है। जैसे मान लीजिए कि कुछ पॉइंट है जिस पर कि लोग बोलते हैं, सबसे पहले ग्रीटिंग्स होता है, इसमें ग्रीटिंग्स होता है। उसके बाद क्या होता है, नेम होता है। उसके बाद क्या होता है, प्लेस होता है। उसके बाद क्या होता है, क्वालिफिकेशन। और उसके बाद क्या होता है, एम्बिशन। और उसके बाद क्या होता है, हॉबी। और उसके बाद आपका आ गया आइडियल पर्सन, आइडियल पर्सन। ठीक, ये आपका यही बात हम लोग बोलेंगे ना क्लास में। अगर खड़े होते हैं तो इंट्रोडक्शन देंगे तो क्या बोलेंगे, बस यही 1 2 3 4 5 6 7 सेवन लाइन में आपका कंप्लीट। और एट लाइन में दे दीजिए क्या होगा, इंडिंग ना, और इसको इंड कर देना है, बस यही। तो सुनिए, इंट्रोडक्शन देने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं सेवन लाइन, अगर आप इसको देख लिए आपको अपने समझ में आ जाएगा कि ये सेवन लाइन को क्या करना है, बोलना है। लेकिन आप इतना देखने के बाद आप ऐसा नहीं ये लाइन देख लिए और बोलना है कि नहीं इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। आप बढ़िया से इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखना है सबको, स्पेशली जितने भी बॉयज गर्ल्स हैं सब, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा इंग्लिश में। क्लास अभी हम लोग का अगर रेगुलर होता तो हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल भी बताते हैं जिससे कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो। बीच बीच में ही कारण है कि स्टूडेंट लोग को हम खड़ा कर लेते हैं, कभी कभी स्टेज पर उसको बुलाते हैं, उनको लगता है कि नहीं मेरे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन वैसी बात नहीं। जो अगर मेरे स्टेज पर आ जाता है या आ जाती है एक बार, तो उसके अंदर फिर चेंजिंग होता है, क्योंकि उतने लोगों के बीच में खड़े होने का उसके अंदर साहस हो जाता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो बस ये पॉइंट को पहले ध्यान रखिए, एक एक करके हम लोग खोलेंगे कि कैसे नेम बताना है, कैसे क्या। तो पहले देखिए ग्रीटिंग्स है, ग्रीटिंग्स समझते होंगे, अभिवादन ना, अभिवादन, किसी को अभिवादन करते हैं, अभिवादन, ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं आप लोग, वो अभिवादन कार्ड ही है। जैसे ग्रीटिंग्स हो गया, जैसे आप आते हैं हम लोग को बोलते हैं क्लास में गुड मॉर्निंग सर, तो ये आपका ग्रीटिंग है। आप अपने फ्रेंड्स को हाय बोलते हैं, ये आपका ग्रीटिंग्स है, हेलो ग्रीटिंग्स है ये ना। गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मॉर्निंग बोलते हैं ना, तो ये सब आपका क्या है, ग्रीटिंग्स है। तो सबसे पहले हम कभी भी क्लास में खड़े हों ना, लोगों के बीच खड़े हों, हमको बुलाया किसी ने और इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको कहा और हम क्लास में आ गए, और आने के बाद बोले माय नेम इज राजेश कुमार, तो आपको क्या लगा, कैसा लगा सबका, अच्छा लगा, नहीं। जब भी हम खड़े हों तो वहां पर क्या करना है, सबसे पहले अभिवादन करना है। जितने लोग हैं सबको हम क्या करेंगे, अभिवादन करेंगे ना, बोलेंगे गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, या हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो योर गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीबॉडी, ये सब जो बोलते हैं इसको हम एक एक करके अभी लिखेंगे। तो ये हो गया आपका ग्रीटिंग। उसके बाद नेम बतलाना है, आपका क्या नाम, तो नेम बतलाने के भी बहुत तरीके हैं। माय नेम इज, जैसे हम अपना बताएंगे, माय नेम इज राजेश कुमार, दिस इज राजेश कुमार ना, माय सेल्फ राजेश कुमार ना, हाँ आई एम कॉल राजेश कुमार, माय कॉलिंग नेम इज राजेश कुमार। और ये जो हम मतलब स्पीकिंग करते हैं ये कौन सा इंग्लिश है, ये हमारा इनफॉर्मल इंग्लिश है ना, ये हमारा क्या है, इनफॉर्मल इंग्लिश। और जब लिखते हैं तो कौन सा इंग्लिश होता है, फॉर्मल इंग्लिश होता है, समझ गए।
तो आप जब हम स्पीकिंग आपको बताएंगे बोलने के लिए तो ग्रामेटिकली कई लोग उसमें गलत निकाल सकते हैं, उसमें कहेंगे कि नहीं जैसे माइसेल्फ राजेश कुमार बोले तो एक पॉजिटिव केस है माइसेल्फ और इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकता उसके जस्ट बाद, लेकिन इंग्लिश में जायज है सब लोग बोलते हैं अब दिस इज राजेश कुमार, ये भी ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो रॉन्ग है, लोग कहते हैं कि नहीं ये रॉन्ग है, लेकिन फिर भी इसको ये जो हम लोग स्पीकिंग में लाते हैं तो वो सही है, ये इनफॉर्मल इंग्लिश है। इनफॉर्मल इंग्लिश क्या होता है? बोलने वाली इंग्लिश, और फॉर्मल इंग्लिश क्या है? लिखने वाली इंग्लिश। देयर आर टू टाइप ऑफ इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश एंड फॉर्मल इंग्लिश। व्हाट इज इनफॉर्मल इंग्लिश? इनफॉर्मल इंग्लिश व्हाट एवर यू स्पीक, सपोज दैट यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, सपोज दैट यू स्पीक एनी लैंग्वेज, देयर इज नो नीड ऑफ एनी टीचर, एनी बुक, एनी इंस्टीट्यूशन, you can speak, suppose that you want to speak Hindi, there is no need. If a person, if a child who has born in India, they have no need any colleges, any schools and any teacher, he can speak Hindi. Suppose that you born in England, you can speak English, there is no need of teacher. Yeah, their surrounding will change you and you can speak English. We learn a lot of things from our society. That is informal. आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो बहुत बातें सीखते हैं सोसाइटी में, समझ गए ना? तो बहुत सारी बातें जो सीखते हैं हम सोसाइटी में, तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या चीज होता है? सब्जी बेचने वाला क्या लगता है? आपको हिंदी नहीं बोलता? आप इंग्लैंड में जाइएगा तो हाँ, मान लीजिए कि कोई दुकानदार है तो क्या लगता है? वो अंग्रेजी नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? वहाँ का सराउंडिंग वो है ना। तो वो चीज़ सीखने के लिए, जैसे सब्जी मंडी में मान लीजिए आपको सब्जी कोई बोलता है, सब्जी बेचने वाला बोलता है, तो आप उसके लिए क्या चीज़ लगता है? उसको कोई ज़रूरत नहीं, अनपढ़ गंवार है, फिर भी आपसे हिंदी में बात करता है ना। वो कैसे सीखा? उसको ना तो कोई टीचर की ज़रूरत पड़ी, ना तो कलम की ज़रूरत पड़ी, ना तो वो स्कूल गया, ना तो उसके पास कोई डिग्री है, फिर भी वो बोलता है। वो उसके पास ज्ञान है, उसके पास नॉलेज है, वो क्या है? इनफॉर्मल। और आप लोग जो अभी मैट्रिक पास करके आए हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेट एक फाइल में रखे हुए हैं, एक तो स्कूल में टीचर आपके हैं, हम लोग को भी सेलेक्ट किए हैं टीचर के रूप में ना, और यहाँ पास होने के बाद आपको इंटर का रिजल्ट मिलेगा, आपको कलम चाहिए, कॉपी चाहिए, मोबाइल चाहिए पढ़ने के लिए, तो ये सब साधन से आपके पास जो नॉलेज आया है, ब्रांडेड नॉलेज, ये क्या है? फॉर्मल। समझ आ रही है बात? तो वैसे ही इंग्लिश में हम क्या बताएं, देयर आर टू टाइप ऑफ इंग्लिश, इनफॉर्मल इंग्लिश एंड फॉर्मल इंग्लिश। सपोज दैट यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, दिस इज योर इनफॉर्मल इंग्लिश, एंड सपोज दैट यू आर राइटिंग इंग्लिश, दिस इज योर फॉर्मल इंग्लिश। या सपोज दैट यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, दिस इज योर इनफॉर्मल, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। सपोज दैट वन पर्सन इज स्पीकिंग एनी लैंग्वेज ओनली, दैट इज इनफॉर्मल। सपोज दैट यू आर राइटिंग एनीथिंग ना, यू शुड हैव टू केयर ग्रामेटिकल, yeah you should have to care a lots of rule and regulation, this is your formal. To jab hum likhte hain wo formal hai aur bolte hain informal. To bolne samay grammar jo hota hai, bahut sara grammar ka jo term hai wo gone ho jata hai, aur likhne se hum log bahut care karte hain. To speaking mein kya hota hai ki bahut sare aise sentences hai jab hum log bolte hain to usme kya lagta hai, हाँ बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें होती है जो कि लगता है कि नहीं ग्रामर से क्या है, कुछ डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं सोचना है, जैसे हम आप लोग को पढ़ाते हैं तो केवल स्पोकन के हम टीचर होते तो हम कहते नहीं चलो जो बोल रहे हैं वैसे, हम तो आप सोच रहे हैं हम खुद ग्रामर जो आपको पढ़ाते हैं तो बहुत कहा जाए केयर करके करते हैं कि थोड़ा सा भी मिस्टेक आप लोग से नहीं होनी चाहिए। तो आपका क्या चीज है? हाँ वो है फॉर्मल। तो स्पोकन में ऐसा नहीं सोचना है, स्पोकन में जो है आपको जो बातें बता रहे हैं आप उसमें क्या है, सब जायज है। तो हम बता रहे थे नेम के बारे में, जब नेम के बारे में हम बताएंगे आपको तो और ज्यादा बताएंगे प्लेस के बारे में ना, कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका घर कहाँ है ना। आई बिलोंग टू लखीसराय, आई एम फ्रॉम लखीसराय, माई लिविंग प्लेस इज एट लखीसराय, एट प्रेजेंट आई लिव एट लखीसराय, आई कम फ्रॉम लखीसराय, बहुत तरीके से इसको बता सकते हैं। सिंपल से आई लिव एट लखीसराय, बस एक लाइन माई नेम बता सकते हैं, आई लिव एट लखीसराय। उसके बाद क्वालिफिकेशन, आपका क्या क्वालिफिकेशन है,
तो आप कह सकते हैं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो भी हैं आप वो बताइएगा। इसके भी बहुत तरीके हैं जो कि हम बताएंगे एक एक करके। एम्बिशन लक्ष्य, आप क्या बनना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी इंजीनियर, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन एयरफोर्स, आर्मी, बैंकिंग, जो भी है ये सब आप बताइएगा क्या चीज में एम्बिशन है। अब सिंपल से आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, जो भी बोलिएगा ये हो गया। हॉबी हो गया, कोई भी आदमी बोलता है कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट ना, नहीं भी हो तब भी। उसके बाद देखिए आइडियल पर्सन, अब आइडियल पर्सन हो गया कि आपके जीवन में कोई ऐसे महापुरुष या हो सकता है परिवार के भी कोई सदस्य होते हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, लगता है कि नहीं उनके जैसा हम बने या उनका जीवन को हम फॉलो करें, ये हो गया आइडियल पर्सन। और उसके बाद लास्ट में है एंडिंग, और आप जब ये इसका ये निश्चित नहीं है कि ये इतना ही लाइन का होगा, ये सिचुएशन बतलाता है, ये लंबा चौड़ा भी होगा ना, ये 20 पॉइंट का भी हो सकता है, 2 पन्ने तक भी बोलना है, लंबा भी इसका मतलब बनता है। तो लेकिन जब आपको इंट्रोडक्शन खत्म करना हो सिचुएशन के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आपको जरूरत पड़े ना, कि जहां जैसा सिचुएशन है वैसा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे उसके बाद क्या चीज की एंडिंग की, तो एंडिंग क्या हो गया, खत्म करना है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जब खत्म करना है तो जैसे आप थैंक यू ना, थैंक यू बोल रहे हैं, दैट्स ऑल बोल रहे हैं, तो ये वर्ड बतलाता है कि इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। लेकिन देखिए ये तो बड़ा इजी लगा, या कोई भी यूट्यूब पर देखिएगा इंट्रोडक्शन देने के तरीके, तो आपको ये सारा पॉइंट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ साइलेंट फीचर्स है ना, वो साइलेंट फीचर्स हमको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन तो दे देंगे लेकिन इसके बैकग्राउंड में कुछ और बातें हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या है, बॉडी लैंग्वेज ना। और ये जो है हम इसको फिर दोबारा लिखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है इसके बाद क्या चीज, बॉडी लैंग्वेज। इंट्रोडक्शन देने से पहले आपका बॉडी लैंग्वेज क्या करता है उसको समझना है। और ये इससे महत्वपूर्ण है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज जो है आपको क्या करना है कि बॉडी लैंग्वेज हमारा साइलेंट फीचर्स होता है ना, वो बोलने की बात नहीं है, वो बोलने की बात नहीं, वो लोग खुद आपको देख कर इमेजिन करेंगे अगर आपके अंदर क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं ना, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कैसे घर से बिलोंग करते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं। आप ट्रेन पर कहीं जा रहे हैं और आपके बगल में अगर कोई बैठा सामने वाला, तो सामने वाले को आप देख कर उसके लैंग्वेज से, उसके पहनावे से, उसके बर्ताव से ना आप पता लगा लेते हैं कि कहाँ से बिलोंग करता है। वो ये नहीं बताता कि मेरा घर यहाँ है, उसका लैंग्वेज से आप पता लगा लेते हैं कि आउट ऑफ बिहार है, उसके पहनावा से आपको पता लग जाता है कि नहीं ये लगता है कि सर्विसमैन है, उसके चेहरे उसका बोलने का तरीका से पता चल जाता है कि कैसे सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए जो बॉडी लैंग्वेज है, किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है, पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि देखने में सुंदर है, वो नहीं, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, उसके अंदर जो पर्सनालिटी होती है व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो ज्ञान है, आप क्या हैं, तो आपका हर मैनर से पता चलता है। तो जो पर्सनालिटी उसकी होती है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, वो क्या है, बिना बताए पता चल जाता है। तो वो जब आप इंट्रोडक्शन देना शुरू कीजिएगा तो वो चीज लाना होगा, क्या चीज, बॉडी लैंग्वेज। तो हम पहले क्या लिखेंगे आज, पहले हम इससे इम्पोर्टेंट चीज सिखाते हैं, वो हम अभी तुरंत बताएं कि आप जितना भी यूट्यूब पर इंट्रोडक्शन देने के तरीके को ढूंढ लीजिए, लेकिन ये जो कुछ बातें बता रहे हैं वो सबसे हटकर है, उसको आप एकदम कवर कीजिए। तो आज हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी लैंग्वेज पढ़ेंगे। क्लास में जब इंट्रोडक्शन हम लोग मतलब स्टूडेंट से करवाते थे तो उनको हम लोग सामने देखकर उसमें क्या कहाँ दिक्कत है, कैसे क्या करना है, उनको बताया जाता था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इसका पॉइंट लिखते हैं और आपको एक ओरल से समझा देते हैं। तो देखिए क्या जी, सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन देने के लिए क्या चीज हमको सीखना है, बॉडी लैंग्वेज।
हाँ तो बात कर रहे थे हम लोग क्या चीज के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में ना। तो इंट्रोडक्शन देने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी बात है, बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइलेंट फीचर्स है। ये ऐसी विशेषताएं हैं जिसको कि आप क्या मतलब कि बोलने की बात नहीं है, इसको क्या करना है, इसको अपने व्यवहार में लाना है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंट्रोडक्शन जो हम देने के लिए जाते हैं उसमें बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा रोल है कि अगर बॉडी लैंग्वेज हमारा सही है तो इंट्रोडक्शन हमारा बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हम बॉडी लैंग्वेज में बात करेंगे पहला पॉइंट की ना। पहला पॉइंट क्या है, सो कॉन्फिडेंस है। हाँ देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है सो कॉन्फिडेंस। कि जब भी हम लोग इंट्रोडक्शन देने के लिए जाएं, स्टेज पर हम जब भी जाएं, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, सो कॉन्फिडेंस। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस चेहरे पर ऐसा भाव होना चाहिए कि अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में अगर आप एक लाइन भी बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो सामने वाला पकड़ लेंगे कि आपने क्या फॉल्ट हुई है। इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो आप जब स्टेज पर जाइए तो सबसे पहले अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, या मान लीजिए कि कोई इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, सबके बीच में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप इस बात का हर हमेशा ख्याल रखिए कि आप कभी मन में ये मत लाइए कि हम कुछ बोल रहे हैं हमसे गलती हो सकती है। और गलती हो भी तो उस समय नहीं सोचना है। कब सोचना है, जब हम बैठ जाएंगे तब उसके बारे में सोचेंगे। तो इसलिए आप जब भी इंट्रोडक्शन देने के लिए जाएं तो चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे किसी को हम गुड मॉर्निंग बोले तो एकदम बोले गुड मॉर्निंग ना। और ये नहीं होना चाहिए कि हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं डर रहे हैं। किसी फ्रेंड को हम गुड मॉर्निंग बोले या कहीं हम गुड मॉर्निंग बोले और डर रहे हैं, किसी को हाउ आर यू पूछे ना और उसके बाद हम डर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब भी हम जाएं स्टेज पर जाएं तो मेरे अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एकदम विश्वास के साथ कि व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग दैट इज ट्रू, दैट इज राइट ना। तो आप पहला क्या बताए, कॉन्फिडेंस, सो कॉन्फिडेंस। सो मतलब दिखाना है, और क्या चीज दिखाना है, कॉन्फिडेंस, विश्वास। दूसरों को कॉन्फिडेंस दिखाइए कि अगर आप बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं। ये बात सबको एहसास करा देना है कि उनको लगे कि नहीं इसके पास नॉलेज है, या इसका बोलने में इसकी मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि नॉविस है ना, चार लाइन रट कराया है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस, आप अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस उसको दिखाइए। तो और दूसरा है कि मेक योर आईज कॉन्टैक्ट ना, मेक श्योर यू लुक एट एवरीवन। कहता है कि जब स्टेज पर जाएं या मान के चले इंटरव्यू में है या किसी के बीच में है, तो आपका क्या बनना चाहिए, आईज कॉन्टैक्ट होना चाहिए। कि अगर हम खड़े हों तो आईज कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लेता है। क्योंकि अगर हम अभी आपको क्लास ले रहे हैं, कैमरा देखकर बात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हम आपको देख रहे हैं, और अगर हम इधर उधर देखकर क्लास लें बोल रहे हैं नहीं सो कॉन्फिडेंस कीजिए नीचे देख रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा, वो कॉन्टैक्ट हम दोनों का बन नहीं पाएगा। इसलिए जब भी मतलब कि क्लास में खड़े होते हैं या इंटरव्यू वगैरह में कहीं भी, तो आपको क्या याद रखना है, आईज कॉन्टैक्ट ना। आईज कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है। आईज कॉन्टैक्ट से आप क्या करते हैं, हाँ जोड़ते हैं जो भी आपके सामने वाले लोग हैं। तो आईज कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी खड़े हों तो मेक श्योर यू लुक एट एवरीवन। आप ऐसा निश्चित कर लीजिए कि आप सबको देख रहे हैं। आईज कॉन्टेक्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर हम लोग लेते हैं तो क्लास में जो स्टूडेंट बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, ये डबल डेकर पर भी बैठते हैं, साइड में भी बैठते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नज़र इधर उधर हम लोग सबको देखते हैं ताकि उनको लगे कि हम उससे क्या है, कॉन्टैक्ट है ना। तो आईज कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी मान लीजिए स्पीच देने के लिए गए स्टेज पर, कुछ भी कोई प्रोग्राम वगैरह हो, चाहे कहीं पब्लिक स्पीच पब्लिक प्लेस में बोल रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि सबका आईज को हमको जरूर देखना है। इंट्रोडक्शन देने समय
जो लोग भी बैठे हैं उसका आइस को देखना है, इससे मतलब फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हेजिटेट नहीं होना है। जैसे मान लीजिए कि कई बार स्पीच, एक बार हम कहानी बता रहे थे क्लास में भी, एक मतलब बच्चे को बगल के स्कूल वाले, ये 15 अगस्त में स्पीच देने की बात आ रही थी, हम लोग छुट्टी में थे वहीं थे, तो ये मतलब बच्चा लोग बोल रहा था, 7 और 8 का स्टूडेंट था, तो बोल रहा था कि नहीं सर, जब भी हम लोग यानी कि खड़ा होते हैं स्पीच देने के लिए तो हमारे फ्रेंड लोग जो होते हैं वो हंस देते हैं, तो टीचर्स उसको सिखा रहा था कि नहीं तुम जब भी बोलो ना तो अपना माइक देख कर बोलो, उसको देखो ही नहीं, ये गलत चीज़ है। हम मैंने मतलब उस टीचर को मैंने भी बताया कि नहीं सर ये गलत हो रहा है, क्योंकि अगर ये चीज़ अभी से डालते हैं तो ये तो आगे चलकर प्रॉब्लम करेगा और ये सही एक्सप्रेशन भी नहीं है। इसीलिए जब भी हम लोग क्लास में, जब भी इंट्रोडक्शन देने की बात हो, जब भी हम खड़े हों तो क्या होना चाहिए, आइज कॉन्टेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, आइज कॉन्टेक्ट हमको बना के रखना है ना। आइज कॉन्टेक्ट अगर नहीं है तो फिर सोच लीजिए वो इंट्रोडक्शन मतलब आपका खराब है। तो देखिए ये निश्चित कर लेना है, मेक यू श्योर यू लुक एट एवरीवन, कि आप सबको देख रहे हैं, ये बात जरूर होना चाहिए ना कि आप सबको देख रहे हैं, ऐसा आइज कॉन्टेक्ट आपका बनना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विथ स्माइल फेस, विथ मतलब साथ में, स्माइल मतलब मुस्कुराहट जानते हैं, और फेस मतलब चेहरा, एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा के, चेहरों के चेहरे के साथ। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा का मतलब सिचुएशन है इसमें कि जब हम स्टेज पर आए और गुड मॉर्निंग बोले ना, ग्रीटिंग्स किए, तो गुड मॉर्निंग बोले तो चेहरे पर क्या आना चाहिए, स्माइल आना चाहिए। हाँ, जैसे ही चेहरे, मान लीजिए आप क्लास में गए और बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो चेहरे पर क्या आना चाहिए, मुस्कुराहट होना चाहिए। तो पूरे सिचुएशन में ऐसा नहीं है मुस्कुराहट होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए मुस्कुराने की बात, ऐसा भी नहीं मुस्कुराना है कि दांत दिखाई पड़े, आप मुस्कुराइए तो आप बस ग्रीटिंग, शुरू में जैसे ग्रीटिंग किए, गुड मॉर्निंग बोले, तो उसमें क्या होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। उसके बाद आप अपना नाम बता रहे हैं, उसमें भी मुस्कुरा रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं ना, आप अपना क्वालिफिकेशन बता रहे हैं वो भी मुस्कुरा, वो नहीं होना चाहिए, दो जगह स्माइल होना चाहिए, एक तो गुड मॉर्निंग बोले उस समय चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, और उसके बाद ये लास्ट में जो थैंक यू बोलते हैं, एंड करते हैं, उस समय आपके चेहरे पर क्या होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन देने में कौन सी बातों को ध्यान रखना है, थर्ड नंबर में कि फेशियल एक्सप्रेशन जो हमारा चेहरा होता है ना, जब हम ग्रीटिंग्स करें तो उसमें स्माइल होना चाहिए, और एंड करें तो उसमें भी स्माइल होना चाहिए। तो चलिए ये आप क्या सीखे, विथ स्माइल फेस। अब देखिए फोर्थ नंबर में कहता है स्पीक और एड्रेस नेचुरली, स्पीक मतलब बोलिए और मतलब या एड्रेस करना, संबोधन करना, संबोधन कीजिए ना नेचुरली, नेचुरली मतलब स्वभावतः, कि आप जब भी कोई बात बोलें या कभी संबोधित कर रहे हैं किसी को, तो आवाज़ कैसी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल। ये मतलब कोई किताब की बात नहीं, ये व्यवहारिक जीवन में भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि एक एक बातों को ना, कि कौन सी बात हम क्या बोलेंगे, जहाँ पर बोल रहे हैं जैसे ग्रीटिंग्स बोले तो स्माइल किए, लास्ट जब थैंक यू बोले तो स्माइल किए, माई नेम इज बोले ठीक से बोले ना, और बोल रहे हैं कि नहीं आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर ना, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, तो लग रहा है चेहरे पर नहीं उसका लक्ष्य दिख रहा है, समझ गए ना। या कोई किताब वगैरह भी पढ़ते हैं तो कहीं सीरियस टॉपिक आ जाती है, तो जिसे हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो कहीं सीरियस कोई लाइन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सीरियस आवाज उसको देते हैं। यार कहानी में ही कहीं मान लीजिए सेंटेंस में लगता है कि एंगर दिखाई पड़ रहा है, हम लोग एंगर यानी गुस्से में जैसे बोलता है उस लाइन को हम लोग उस ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं। तो कोई भी बात जैसे हम आए बोलने के लिए, तो नेचुरली का मतलब क्या, कि लगे, जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि जैसे आए टीचर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सामने मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो जैसे हम बोल रहे हैं कि गुड मॉर्निंग माई रिस्पेक्टेड सर, तो रिस्पेक्टेड माई आदरणीय सर हम बोल रहे हैं, आदरणीय महाशय वहाँ बोल रहे हैं, तो आदर का भाव सेंटेंस में दिखना चाहिए। एंड हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स बोल रहे हैं तो लग रहा है कि दोस्त को कि उसको एकदम कोई सीरियस होने की जरूरत नहीं, बिंदास होकर उसको बोल दिए। तो हर वेरिएशन जो होता है सेंटेंस का, उसके पीछे क्या होना चाहिए, उसका नेचुरल जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो होना चाहिए। जब भी आप बोलिए तो क्या कहता है बोलने के लिए, हाँ ये कह रहा है स्पीक और एड्रेस नेचुरली, आप जब भी बोलिए ना
जब भी बोलिए या कभी भी संबोधन कीजिए तो उसमें नेचुरली होना चाहिए, उसमें बनावट नहीं होनी चाहिए कि आए माइक लिए, हाय फ्रेंड्स माय नेम इज राजेश कुमार आई बिलोंग, या हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग माय नेम, जैसे करते रख के चले गए। गुड मॉर्निंग बोले तो कैसा गुड मॉर्निंग होना चाहिए, अपना नाम कैसे होना चाहिए, थोड़ा सा ना उस लाइन के अनुसार आप एक्सप्रेस कीजिए, तो ये नेचुरली होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है डू नॉट स्टॉप और रिपीट व्हाइल यू आर स्पीकिंग। कहता है डू नॉट स्टॉप ना, नहीं रुकिए और रिपीट या दोहराइए व्हाइल, जबकि यू आर स्पीकिंग, जबकि आप बोल रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सात लाइन का इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं, तो आपको ये बात याद रखना है कि कभी भी आप जो है ना, कभी भी आप रुकिए, समझे। यानी आप पूरा बोल रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि अगर आप हम पूरा इंट्रोडक्शन सात लाइन का बोल रहे हैं, कहीं रुक गए बोलते बोलते, तो कोई भी सामने वाला देख लेगा, वो कहेगा कि नहीं, ये भूल गया यहाँ पर, यहाँ इससे गलती हो गया। स्पीच देने में जानते हैं क्या होता है, कई बार आप स्पीच दे रहे हैं कहीं भूल गए, आप खुद लड़खड़ा गए को हमसे गलती हो गई, यहाँ पर ये हो गया, तो आपका पूरा मतलब जो लोग नहीं भी कुछ जानते हैं वो भी पता लगा लेते हैं कि आप यहाँ पर मिस्टेक कर चुके हैं। तो आपको रिपीट, हाँ रुकना नहीं है, इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको क्या करना है, कई बार आप इंट्रोडक्शन दीजिए घर में। सबसे स्पेशली अच्छा तरीका है आईना, ड्रेसिंग टेबल के सामने आप इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपने पता लगा लीजिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, नहीं तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, किसी से वीडियो शूट करवाइए और आप देखिए आपका इंट्रोडक्शन कैसे चल रहा है। तो इंट्रोडक्शन में कहाँ है, फेशियल एक्सप्रेशन खराब है, आइज कॉन्टेक्ट खराब है, ये सब फॉल्ट आप खुद उसको दूर कीजिए। तो ये क्या कर रहा है, डू नॉट स्टॉप और रिपीट व्हाइल यू आर स्पीकिंग, कि आप जब बोल रहे हो तो कहीं रुकना नहीं है। अगर रुक गए बोलते बोलते, हाई फ्रेंड्स माय नेम इज, उसके बाद सोचने लगे कि लिविंग प्लेस बतावे या क्वालिफिकेशन बता दें, उसके बाद बोल रहे हैं, खराब हो गया वो ना, रुक गए तो भी प्रॉब्लम, या रुक गए और फिर आई बिलोंग टू, फिर बोल रहे नहीं आई बिलोंग टू लखीसराय, ये भी गलत है। आपको एक बार में बोलना है और इसका ट्रेनिंग लेना होगा, यानी कि आप बार बार इंट्रोडक्शन, एक बार इंट्रोडक्शन ठीक कर लीजिए, लाइफ भर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें कुछ समय के साथ बदलाव होगा लेकिन आपको बोलने की जो शैली है उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो क्या सीखे, ना तो रुकना है और ना तो दोहराना है, क्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है डू नॉट थिंक ओवर दिस मैटर सीरियसली, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है मत सोचिए ओवर मतलब के ऊपर, दिस मैटर इस विषय के ऊपर, और सीरियसली मतलब क्या, बहुत ज्यादा सीरियसली मतलब गंभीर होकर। डोंट थिंक ओवर दिस मैटर ना, और यहाँ दे देते हैं टू सीरियसली, बहुत ज्यादा, जब इंट्रोडक्शन देने के लिए जा रहे हैं बहुत ज्यादा मन में आपको आ गया टेंशन, ओह जा रहे हैं वहाँ सर बैठे हुए हैं, 200 स्टूडेंट बैठा हुआ, मेरा फ्रेंड बैठा हुआ, बोलेंगे तो लगता है गलत हो जाएगा, सब क्या सोचे, ये सब कभी सोचना ही नहीं। आप जाइए वहाँ बिंदास अपना मतलब इंट्रोडक्शन, अपना नाम पता बताना है और चलाना है, गलती क्या, सब लोग जाएगा, सबसे कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, मेरा सही होगा, ये सोच कर जाना है। और ज़्यादा वहाँ सोचना शुरू कर दीजिएगा तो जैसे ही सीरियसनेस आपके अंदर आएगी तो क्या होगा, सबका आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन खराब होगा, जेस्चर पोस्चर होगा, और ज़्यादा सीरियस लीजिएगा तो दूसरा लाइन, जैसे ही इस पर सोचना शुरू कीजिएगा अदर लाइन भूल जाइएगा। तो इसके बारे में सोचिए ना एकदम, अरे नेम प्लेस हुआ और हॉबी आइडियल पर्सन उल्टा पुल्टा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया, लेकिन आप बोलते चल जाइए, रुकना नहीं है, जो आया सेंटेंस उसको बोलते चल जाइए, लेकिन इसका ट्रेनिंग आपको पहले लेना है, पहले आप करके। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन बताया गया और हम क्लासरूम में यानी जहाँ इंट्रोडक्शन देना है डायरेक्ट वहाँ जाके प्रेजेंट करेंगे, ये बातें नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे आपको ट्रेनिंग लेना है। ये ट्रेनिंग लेने के बाद ना, ये ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम क्या बोले कि जब इंट्रोडक्शन देना हो तो इस मैटर पर ना, इस मैटर पर डू नॉट थिंक ओवर दिस मैटर सीरियसली, कहता है इस मैटर पर आप बहुत ही सीरियस होकर सोचिए मत, क्योंकि इसके बारे में अगर सोचते हैं तो आपका बहुत कुछ आपको मतलब बिगाड़ देगा, फायदा नहीं देगा, ये घाटा ही देगा।
तो इसके बारे में सोचना नहीं, एकदम जाइए कॉन्फिडेंस के साथ, जो जो बात बताए उसको फॉलो करके ना, कि आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आज कॉन्टेक्ट बनाना है, स्माइल फेस होना चाहिए, नेचुरली स्पीकिंग होना चाहिए ना। और एक ये लाइन छोटा है ना, स्टैंड इन राइट पोजिशन। चलिए ये लाइन अभी हम इसके बाद बताएंगे। हाँ, तो इसमें जो हम बता रहे थे, इसमें ये आपको बताए थे स्पीक, हाँ स्पीक और एड्रेस यानी नेचुरल, ये बताए थे। और डू नॉट स्टॉप और रिपीट व्हाइल यू आर स्पीकिंग, ये भी बता दिए। और डू नॉट थिंक ओवर दिस मैटर टू सीरियसली, ये भी बता दिए, ये छूट गया था। स्टैंड इन राइट पोजिशन और जेस्टर और पोस्टर। तो चलिए चार नंबर बाद में ही पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर से, जैसे ये 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 और फोर दो हो गया था ना, इसको फाइव बना देते हैं, इसको सिक्स, ये सेवन, एट और ये नाइन और यहाँ टेन और ये एलेवन हो गया। तो कौन सा नंबर हम छोड़ दिए हैं, फाइव छोड़े हैं ना, और आपको सिक्स अभी बताए। अब आइए सेवन भी बता दिए थे, डू नॉट थिंक ओवर दिस मैटर सीरियसली टू सीरियसली, कि आप जब इंट्रोडक्शन देने के लिए जाएं तो बहुत ज्यादा सोचना हम शुरू कर दिए, कि नहीं हम स्टेज पर गए, यहाँ तो हमारे सर बैठे हुए हैं, वो सर बैठे हैं पीएचडी इंग्लिश में हैं, ये सर हैं एकदम एक्सपर्ट हैं, मेरा फ्रेंड सब बैठा हुआ वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, हमसे गलत होगा, ये सब बहुत सीरियस नहीं लेना। सीरियस लेने का मतलब है कि आपका सारा कुछ वो गलत कर देगा। तो आप समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन में कुछ साइलेंट फीचर्स पर, ये सब हमारा बॉडी लैंग्वेज में आता है, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें कि आप बोलते तो नहीं है लेकिन आप बहुत कुछ कह देते हैं, तो वो चीज कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अब कहता है स्पीक क्लियरली ना, एक नंबर में क्या कर रहा है, स्पीक क्लियरली, कि आप जब भी बोलते हैं ना, जब भी आप इंट्रोडक्शन दें या कभी भी पब्लिक प्लेस में कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपकी आवाज जो होती है ना, वो आपकी आवाज बहुत ही साफ होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप खूब बढ़िया इंट्रोडक्शन बनाए, ग्रामेटिकली पूरा करेक्ट बनाए ना, आपका बहुत ही लैंग्वेज अच्छा है, लेकिन आप सोचिए जरा, आपका जो आवाज है वो आपका कोई समझ नहीं रहा, तो क्या फायदा। आपको बढ़िया गाना लगा लीजिए होम थिएटर में, बढ़िया से बढ़िया सॉन्ग्स को, फुल एचडी वाला सॉन्ग्स जो होता है उसको लोड कर लीजिए, और पूरा सब कुछ एकदम बढ़िया से लगा लीजिए, मशीन वगैरह सब कुछ जो भी है, और उसका स्पीकर जो वो फटा हुआ है, तो आपको क्या लगेगा, उसका सब क्वालिटी ख़त्म हो गया। इसीलिए आप अगर जो भी सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस कितना बढ़िया है वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो आपका जो स्पीकिंग है, आवाज़ जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप जब भी कोई सेंटेंस बोलिए तो कोशिश कीजिए कि सामने वाले को क्लियर सुनाई पड़ना चाहिए, एकदम एक एक वर्ड आप जब भी बोलें तो क्लियरली बोलें। नेचुरली किन्हीं किन्हीं को प्रॉब्लम होता है कि आवाज़ लड़खड़ा, हकलाने का प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा है थूक निकल रहा है, नाक जिसका ये है वो सब में दिक्कत आती है, लेकिन कोशिश करना है कि ये सब प्रॉब्लम जो नेचुरली किसी को प्रॉब्लम है उसको छोड़कर अपने से जो दिक्कतें आती है उसको हटाना है। और ये चीज़ वेरिएशन जो है बोलने का तरीका, ये आप मतलब अपने अंदर खुद इसको निखार सकते हैं, और जब भी मतलब इंट्रोडक्शन की बात हो तो ये बात मन में सोचना चाहिए, सब लोग सुन रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि हाँ आपका जो टोन होना चाहिए, आवाज़ जो होनी चाहिए ना, आवाज़ जो होनी चाहिए वो थोड़ा साफ होनी चाहिए। मतलब अपने हिसाब से ये रखिए कि आप ना, आपको ऐसे बोलना है कि किसी को सामने वालों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ देम, या इफ दे डोंट अंडरस्टैंड क्लियरली इट इज योर फॉल्ट, सो यू शुड ट्राई टू स्पीक क्लियरली, आपको कोशिश करना है कि एकदम साफ साफ बोले। तो ही कहता है इंट्रोडक्शन में क्या चाहिए, स्पीक क्लियरली। उसके बाद कहता है फेशियल एक्सप्रेशन ना, चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, अभी हम तुरंत बता रहे थे, फेशियल चेहरे का एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, सिचुएशन के अनुसार हमारा चेहरा का जो होता है सीरियसनेस बदलता है
अगर हम बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी कोई गंभीरता वाली बात आती है तो वो सीरियसनेस आती है चेहरे पर। तो जैसे आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कोई सीरियस मैटर के बारे में बोल रहे हैं, देखिए बहुत सारे, एक इंट्रोडक्शन में कई बात होता है। जैसे हेलो फ्रेंड्स बोलते हैं तो उसमें आप बिंदास होकर बोलते हैं ना, माय रिस्पेक्टेड टीचर्स बोलते हैं, ग्रीटिंग हम करने के लिए सिखाएंगे, तो उसमें आप जब बोलते हैं तो आपका रिस्पेक्ट छलकता है ना। और बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, या आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन आर्मी, आई वॉन्ट टू ज्वाइन इन बैंकिंग, जो भी बोलते हैं तो उसमें लगता है लक्ष्य है, सीरियस होकर बोलते हैं कि उसको लेने के लिए हमको थोड़ा सा परेशानी होगी। माई रोल मॉडल बोलते हैं तो अलग, फिर माई हॉबी जब बोलते हैं थोड़ा सा मतलब देखते हैं लूज हो जाते हैं, खुश होकर बोलते हैं माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, वहाँ सीरियसनेस की जरूरत नहीं होती है। तो हर चीज में, हर सेंटेंस में वेरिएशन होता है, तो उस चीज को ख्याल रखना है, उसके अनुसार हमारा फेशियल एक्सप्रेशन बदलना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखना होगा कि फेशियल एक्सप्रेशन हमारे चेहरे की जो अभिव्यक्ति है वो, तो ये अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा मान लीजिए कि दिक्कत आपको होगा, लेकिन धीरे धीरे जहां हम 100% यूज करते हैं वहां 10% भी यूज करने की, 10% भी फॉलो करना है। जब भी इंट्रोडक्शन दें फेशियल एक्सप्रेशन पर ध्यान देने की बात है। तो ये आप समझ गए होंगे, फेशियल एक्सप्रेशन ये हमारा हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर है 10 नंबर में 10 पॉइंट जो है साइलेंट फीचर, डू नॉट पॉइंट योर फिंगर। कि जब भी इंट्रोडक्शन दें तो याद रहे कि जब भी इंट्रोडक्शन दें तो आपके पास अगर माइक है तो आप माइक लेकर आप इस ढंग से भी दे सकते हैं ना। और अगर मान लीजिए कि स्टेज पर माइक लगा हुआ है, आराम से आप हाथ पीछे करके भी दे सकते हैं, या आपके सामने स्टैंड माइक लगा हुआ था, हाथ आगे करके भी बोल सकते हैं। लेकिन कोशिश रहे बोलने समय, ये जो हाथ में कुछ प्रॉब्लम है इस कारण से थोड़ा सा उंगली फ्रैक्चर हो गई है, देखिए ये जो उंगली है इसको निकाल कर कभी भी बात करने से ये सब दिखाना नहीं। डिबेट जब होता है तो डिबेट में भी ये सब मनाही होती है ना, डिबेट में भी किसी को पॉइंट करके नहीं बोला जाता है। आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं ऐसे हैं तो कोई बात नहीं, जब ऐसे करते हैं देखिए उसको गुस्सा आता है ना। तो स्टेज पर कभी भी हम बोल रहे हैं कभी भी उंगली वगैरह पॉइंट नहीं करना है। हाँ मूव करना है स्लो वे में, हाथ वगैरह करना है आपका जो एक्सप्रेशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम उंगली कभी पॉइंट करेंगे। तो ये कह रहा है ज्यादा मूव नहीं करना है। उसके बाद कहता है डू नॉट लीन ऑन द पोडियम और टेबल। कहता है डू नॉट लीन, लीन मतलब जानते होंगे लदना, इसका सटीक वही है किसी का सपोर्ट लेकर बैठ जाना। तो कहता है डोंट लीन, आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जब स्टेज पर जाइएगा तो क्या होगा, स्टेज पर मोस्टली हो सकता है खाली स्टेज रहे, नहीं तो दो चीज आपको जरूर मिलेगा, दो चीज नहीं एक चीज तो जरूर पोडियम मिलता है, पोडियम हाँ जो क्लास में आप देख, क्लास में है लगा हुआ पोडियम, तो पोडियम मिला आपको, पोडियम के पास माइक है और आपको दे दिया बोलने के लिए। मोस्टली देखिएगा बहुत जगह जब पोडियम पर दिया जाता है बोलने के लिए तो दोनों हाथ इस पर रख दिया आराम से, जैसे छत पर ना कोई लोग घूमते हैं तो जो मतलब उसका जो घेरा हुआ होता है उस पर रख के और झांकते हैं पीछे, वैसे करके बैठ जाते वो खड़ा हो जाते हैं और उसके बाद बोलना शुरू करते हैं। पोडियम आपको दिया गया है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए ना, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि उस पर दोनों ये रख कर ये हो जाएगी। अच्छा आप कोई अगर इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यूअर चारों बगल से बैठा हुआ है, बीच में टेबल है, आपको भी बैठाया गया है और आप खड़ा हो गए और ये दोनों पोर्शन टेबल के कॉर्नर पर रख कर और बोलना शुरू कर दिए। कई बार देखते हैं कि मतलब लोग बैठते हैं मीटिंग वीटिंग में भी बैठते हैं तो क्या करता है टेबल पर दोनों हाथ ऐसे रख के और पूरा भाषण देना शुरू कर देता है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। आप जब भी खड़े हो अपने पोजिशन में खड़े हो जाइए, पोडियम पर आप खड़े होते हैं, पोडियम सामने है उसे क्या लेना था, हम अपना पोजिशन में खड़ा रहेंगे, ये चीज़ होनी चाहिए। आप ये नहीं कि पूरा फुल्ली उस पर सपोर्ट ले लीजिए, ये चीज़ कभी नहीं। तो वही कहता है कि आपको मतलब कि उस पर जो भी मतलब खड़े हों तो अपना भार ऐसा नहीं है कि पोडियम पर हम डाल देंगे या तो टेबल पर डाल देंगे। तो चलिए एक पॉइंट आपका छूटा था, कौन सा, स्टैंड इन राइट पोजीशन, जेस्चर और पोस्चर। स्टैंड इन राइट पोजीशन, देखिए ध्यान से, स्टैंड मतलब खड़ा होना है, राइट पोजीशन। अभी हम ये तीनों चारों मिटा देंगे, सबका हिंदी आप समझ गए होंगे,
सो कॉन्फिडेंस, एकदम विश्वास दिखाइए। कैसे विश्वास दिखाना है बता दिए थे कि जब भी मतलब जाए तो कैसा होना चाहिए। उसके बाद मेक योर आइज कॉन्टैक्ट बताए थे कि कैसे आइज कॉन्टैक्ट बनाना है, सबकी आंखों को ही देखना है ना। और उसके बाद विथ स्माइल फेस कब मुस्कुराना है ये भी बताए थे। और स्पीक और एड्रेस नेचुरली, और जब भी बोलिए या संबोधन कीजिए तो कैसा होना चाहिए, स्वभावतः होना चाहिए, एकदम नेचुरली होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जो पॉइंट था ना, इसको हम छोड़ दिए थे बताने समय। अब इसी को हम लोग पहले समझ लेते हैं साइलेंट फीचर्स में ही। देखिए कुछ ये स्टैंड इन राइट पोजिशन, जब भी देखिए खड़े होना है एक जगह हम खड़ा होकर कभी कुछ बोल रहे हैं तो सबसे पहले कहता है मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन 2 फीट, दो पैरों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनाना है ना। दो पैरों के बीच में क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। यानी जब भी खड़े हो एक जगह स्टेज पर तो ये देखिए ये जो आपका पैर है ये अगला पोर्शन है और ये देखिए हाँ ये है। तो देखिए दोनों का जो हिल होता है ना, एडी जिसको बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए, करीब होना चाहिए, सटा हुआ नहीं होना चाहिए, करीब होना चाहिए। और आगे का पोर्शन खुला रहना चाहिए, कितना पूरा नहीं खोलना है, 60 डिग्री। ये कितना डिग्री का यहाँ एंगल बनना चाहिए, 60 डिग्री का। तो आप समझ सकते हैं ये आपका पैर है ना। देखिए ये आपका अंगूठा है, फिर देखिए खोलना है, ये पैर है। तो आप याद रखिए कि पीछे का पोर्शन जो होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, करीब होना चाहिए, सटा हुआ नहीं होना चाहिए, और आगे खुला होना चाहिए। वही कहता है पैर जो भी रखेंगे हाँ उस ढंग से रखना है, बराबर दोनों होना चाहिए, लेकिन पीछे का जो पोर्शन करीब होना चाहिए, आगे खुला हुआ होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा है कि आपको कितना, इसको कह रहा है कि पैर, दोनों पैर के बीच में 60 डिग्री का एक एंगल बनना चाहिए, 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए, अगला पोर्शन खुला रहना चाहिए, पिछला क्या रहना चाहिए, करीब रहना चाहिए। और क्या, स्टैंड इन राइट पोजीशन, जब खड़े हुए स्टेज पर तो एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ शरीर को थोड़ा टाइट करके ना। और उसके बाद जेस्चर और पोस्चर पर भी ध्यान रखना है। जेस्चर हो गया क्या चीज, हाव भाव, चेहरे का हाव भाव ना। वहाँ पर हम गए तो जस्ट लाइक आप एक आर्टिस्ट के रूप में वहाँ पर गए हैं और हर एंगल से हर पॉइंट पर आपको एक बढ़िया एक्शन या बढ़िया एक्टिंग करना है, चाहे आपको नाम बताने में हो, चाहे गुड मॉर्निंग बोलने में हो, हर एंगल में आपको एक्टिंग जोड़ना है, हर चीज़ों में आपको आर्ट दिखाना है कि वो आपका इम्प्रेशन है, इंट्रोडक्शन आपका इम्प्रेशन है। और उसमें क्या चीज़ बताया, जेस्चर, हाव भाव, और पोस्चर हो गया हमारा ढांचा, आकृति, शरीर का फिजिकल पार्ट जो देख रहे हैं ना, शरीर का जो बैलेंस देख रहे हैं वो होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे इतनी सारी बातों को क्या करने के लिए हम लोग सीखे। हाँ ये सब हमारा क्या चीज था, साइलेंट फीचर्स था। तो आपको कुछ तो याद हो गया होगा कि सपोज दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सपोज दैट यू हैव टू गो टू ऑन द स्टेज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट शुड यू केयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी कॉन्फिडेंट, you should think that you are doing very well, you can do very well. Second thing I want to say you, with your smile face, suppose that you want to greet yourself, suppose that you are giving greeting, yeah, you should have smile on your face. Yeah, suppose that you are going to end the introduction, you should also have, like, you should show some smile. And I have told you about like this standing right position, yeah, and do not stop or repeat while you are speaking, you do not think over this matter too seriously, speak clearly, facial expression, yeah, these all points you should have to remember. And after you should introduce yourself, suppose you want to give your introduction, before giving your introduction
there are some features you should keep in your mind after your introduction will be very well. Yeah, तो आपको introduction देने से पहले ये क्या चीज था? Silent features था, जिसको body language हम लोग बोल रहे थे. तो आपको next class में हम लोग introduction का जो point है उसको खोलेंगे और बताएंगे. इससे पहले आपको ये बता दें कि आप introduction देने के लिए बहुत सारे वीडियोस आप देखे होंगे ना YouTube पर, लेकिन आप इसको कंपेयर कीजिएगा. इसमें हम बहुत सारी ऐसी बातें बताएं जो कि हम लोग को भी बताया गया था, जिसमें हम लोग स्पोकन ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोग किए थे तो उसमें सीखे थे, ये सारी बातें बताई गई थी. हमारा बॉडी का भी एक लैंग्वेज होता है जो कि हम अभी डिस्कस किए थे, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है. और नेम वगैरह कैसे बताएंगे, कितने तरीके से हम नेम बता सकते हैं, प्लेस बता सकते हैं, ये सब भी आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे इसको. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सीखने के लिए मिला, आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए. और जो भी हमारे न्यू व्यूअर हैं या जो भी देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद हम लोग को थोड़ा लीगल परमिट मिल जाएगा यूट्यूब से क्लास लेने का. ऐसे आप लोग के पास आते हैं तो बहुत ही जटिल प्रोसेस से आते हैं, तो और अच्छा को हम लोग सेवा दे पाएंगे. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय.